आज हम लोग जो मेटलर्जी है, जो पहला लेक्चर में हम लोग ने कंसंट्रेशन ऑफ ओर के बारे में पढ़ा, कंसंट्रेशन के जो कुछ प्रोसेसेस थे जिसमें कि लीचिंग, जिससे कि बॉक्साइट और गोल्ड सिल्वर इन सबों का करते हैं हम लोग कंसंट्रेशन। एक था तुमको जो कि फ्रोथ फ्लोएशन, जिससे सल्फाइड ओर का हम लोग कंसंट्रेशन करते हैं, और जो हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन, इस सब आयरन और कॉपर पायराइट इन सबों के लिए यूज में आता है। तो आज और उसके अलावा हम लोगों ने कैल्सिनेशन और रोस्टिंग देखा, ऑक्साइड में उसको कैसे बदलते हैं, सल्फाइड ओर हो या तुमको कार्बोनेट हो, तो इन सबों को सल्फाइड में ओर बनाने के लिए कैल्सिनेशन, और सल्फाइड ओर को बनाने के ऑक्साइड में बदलने के लिए रोस्टिंग, जो कि एयर के प्रेजेंस हम लोग करते हैं, और जो तुम्हारा क्या कहते हैं, जो कार्बोनेट है या जिसमें कि वाटर वेपर के रूप में देना, तो उसको हम लोग सिंपली हीट करके कैल्सिनेशन के द्वारा उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगला जो फेज है कि जो कंसंट्रेटेड ओर है, उससे हम लोगों को जो कंसंट्रेटेड ओर से मेटल कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने से के लिए जो मेटलर्जी का क्या प्रिंसिपल है एक्सट्रैक्शन का, तो मेटल थर्मोडायनेमिक जो है तुम्हारा सजेस्ट करता है किसी भी रिएक्शन के लिए रिएक्शन डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, जिसमें कि सारा का सिंबल का मीनिंग तुम्हें पता होगा। डेल्टा जी क्या है तुमको, गिब्स एनर्जी चेंज, गिब्स एनर्जी चेंज या चेंज इन गिब्स एनर्जी, डेल्टा एच है चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा एच चेंज इन इनथैल्पी, ये एनर्जी से रिलेटेड टर्म हुआ, जो कि टी तो हो गया टेम्परेचर इन केल्विन, जो कि हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ये ध्यान रखिएगा, टेम्परेचर इन केल्विन और ये पॉजिटिव होता है, और डेल्टा एस हो गया चेंज इन इंट्रॉपी। इंट्रॉपी तुमको रेंडमनेस को मेजर करता है, रेंडमनेस मतलब कि कितना बिखरावपन है, जिसका जब बिखरावपन ज़्यादा होगा तो उसका इंट्रॉपी ज़्यादा हो जाता है, तो उसका इंट्रॉपी चेंज, अगर रिएक्टेंट का में रेंडमनेस कम है, प्रोडक्ट में रेंडमनेस ज़्यादा हो गया, जैसे गैस वगैरह प्रोडक्ट्स, जो अगर तुमको रिएक्टेंट में सॉलिड है और प्रोडक्ट में गैस आ गया, तो जाहिर है कि प्रोडक्ट का रेंडमनेस क्या है, ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट का अगर रेंडमनेस ज़्यादा है तो उसका डेल्टा एस क्या होगा, ज़्यादा है, चेंज इन इंट्रॉपी पॉजिटिव होगा, तो प्रोडक्ट का इंट्रॉपी माइनस रिएक्टेंट का एंट्रोपी, दैट इज डेल्टा एस, दैट विल बी पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या है, अगर हम लोग किसी को हम लोग जो है तुमको अगर कार्बन से हम लोग किसी ऑक्साइड को अगर हम लोग रिड्यूस करते हैं, जैसे कि तुमको जेड एन ओ प्लस सी से बनाते हैं, जेड एन ओ सॉलिड ही होगा, कोक जो तुम्हारा ये भी सॉलिड होगा, से जेड एन अगर बना ये भी सॉलिड में होगा, प्लस सी ओ जो तो हमको होगा गैस में होगा, तो इस रिएक्शन का देखा जाए तो इधर जो इंट्रॉपी इसकी देखी जाएगी, तो ये इंट्रॉपी ज़्यादा है क्योंकि गैस है, तो इसकी रेंडमनेस ज़्यादा होगी तो और इसकी कम होगी, तो डेल्टा एस जो इंट्रॉपी चेंज पॉजिटिव फॉर दिस रिएक्शन डेल्टा एच, और टी जो है तुमको पॉजिटिव होता है, या तो टी टेम्परेचर जो केल्विन में होगा तो कभी भी जीरो से ज़्यादा ही होता है, तो टी डेल्टा एस पॉजिटिव है, तो जाहिर है टी डेल्टा एस भी क्या हो गया, पॉजिटिव। अब टी डेल्टा एस पॉजिटिव है तो ये जो तुमको है सब्सट्रैक्ट हम लोग करेंगे, तो डेल्टा जी माइनस टी डेल्टा एस, तो ये पॉजिटिव है तो ये निगेटिव आने के, तो कोई भी रिएक्शन, ए रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, एनी केमिकल एनी रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इफ डेल्टा जी लेस देन जीरो। तो इसको किसी भी रिएक्शन को अगर इसको अगर स्पॉन्टेनियस होना है तो इसका डेल्टा जी क्या होना पड़ेगा, जेड एन ओ प्लस सी से जेड एन प्लस सी ओ बनाना, तो इसका डेल्टा जी निगेटिव होना पड़ेगा। अगर डेल्टा जी को निगेटिव होना है तो टेम्परेचर हाइयर टेम्परेचर पर ये पॉसिबल हो जाएगा, अगर नहीं भी लोअर टेम्परेचर पर है, और जो कि हम लोग इलेक्ट्रिकल केमिकल सीरीज में ये हमने पढ़ा होगा कि जो मेटल होते हैं वह बेहतर रेड्यूसिंग एजेंट होते हैं, तो मेटल तो यहाँ पे जेडन है, तो इस स्थिति में जेडन को तुमको कार्बन जो तुम्हारा है जो कि नॉन मेटल है
वह रिड्यूस जो कि हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है उस पर नहीं कर पाएगा। जैसे दैट इज हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुमने अगर पढ़ा होगा, जो राइशुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसको जितने लेक्चर्स हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो या केमिकल काइनेटिक्स या क्लास तुम्हारा फिजिक्स के भी हो या मैथमेटिक्स के, तुमको ये सब लेक्चर राइशुल ऐप पर तुम पढ़ सकते हो। उसमें तुमको जा करके उसमें तुमको बोर्ड के अगर प्रिपरेशन करे तो उसमें नोट्स भी तुम लिख सकते हो। उस पर जा करके जेई मेन्स एडवांस या नीट इन सबों के लिए ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे उस ऐप पर। उसके अलावा तुमको पर्सनल जो तुमको अगर चाहिए उसको हेल्प चाहिए, कोई पोर्शन समझ में आ रहा है, कहीं क्वेश्चन बनाने में दिक्कत हो रही है, कुछ पोर्शन आपको समझ में आ रही है जो प्रिपरेशन में आपको जो जेई मेन्स एडवांस या नीट की प्रिपरेशन में आपको बाधक हो रही है या बोर्ड के एग्जाम में आपको बेहतर नहीं महसूस कर रहे हैं, तो उसके लिए आप राइशुल ऐप पर जा करके हमसे पर्सनल गाइड के रूप में भी आप संपर्क कर सकते हैं मेंटर के रूप में। तो जहाँ पर तुमको जा करके तुम अपना जाओगे पर्सनल कॉन्टैक्ट का वहाँ नंबर दिया हुआ है, तुम हमें डायरेक्ट कॉल कर सकते हो और अपना जो है जितना टाइम चाहिए तुम हमसे ले सकते हो। और उसमें डाउट क्लासेज लाइव क्लासेज इन सबों की भी सुविधा है। तो एक कंप्लीट ऐप है जो कि बोर्ड की प्रिपरेशन हो चाहे इंजीनियरिंग मेडिकल इन सबों के प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट ऐप है जिसको जिसका तुम यूज कर सकते हो। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर डेल्टा जेडएन जो है तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल, जहाँ तक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात है तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में तुमने देखा होगा मेटल इज गुड रिड्यूसिंग एजेंट देन नॉन मेटल। तो मेटल तुमको जैसे यहां है जेडएन तुम्हारा है, जेडएन इज ए मेटल, तो जेडएन को ये तुमको नॉर्मल टेम्परेचर पर ये क्या नहीं कर पाएगा, कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाएगा। जेडएन को कार्बन रिड्यूस नहीं कर पाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पर। तो इसका मतलब लेकिन जेडएन कार्बन कैन नॉट एबल टू रिड्यूस जेडएन ओ टू जेडएन एट 298 केल्विन एंड 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। चूंकि ये तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की नॉलेज से तुम्हें ये पता होगा कैसा नहीं होता, चूंकि इसका ये जो ई सेल होगा ये पॉजिटिव ई सेल क्या हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा, इसका जो ई सेल है वो नेगेटिव होगा तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये तुम्हारा फिजिबल नहीं होगा बिकॉज कि डेल्टा जी इज ग्रेटर देन 0 एट 298 केल्विन। तो जाहिर है कि डेल्टा जी अगर पॉजिटिव है, डेल्टा जी इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है डेल्टा जी तो इसको कोई निगेटिव करना चाहिए। बट एक बात तो तय है कि अगर ये डेल्टा एस पॉजिटिव है तो टी को अगर इंक्रीज किया जाए तो एक कोई टेम्परेचर सर्टेनली आएगा जहां पर कि ये पॉसिबल हो जाएगा। इफ टेम्परेचर इज इफ टी इन केल्विन इंक्रीजेस एट ए सर्टेन एबव सर्टेन टेम्परेचर डेल्टा जी लेस देन जीरो एंड रिडक्शन इज पॉसिबल एंड रिडक्शन इज पॉसिबल। तो ये भाव सर्टेन टेम्परेचर ये तुमको क्या होगा कि डेल्टा जी संभव है और मतलब ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। तो ये जो टेम्परेचर कितना होगा और किसके लिए सुटेबल होगा ये जानने की बात होगी कि किस टेम्परेचर पर तुमको ये जो तुम्हारा इस एग्जाम्पल से ये समझ में आया होगा कि जेडएन को नॉर्मल टेम्परेचर पर तो कार्बन रिड्यूस नहीं, चूंकि ये नॉन मेटल है तो जाहिर रिड्यूस नहीं कर पाएगा, लेकिन कार्बन तुमको जो है तुमको अगर हम लोग डेल्टा थर्मोडायनेमिक्स का जो इक्वेशन बता रहा है कि अगर एंट्रोपी इसका चेंज पॉजिटिव है इस रिएक्शन का तो टी को अगर हम इंक्रीज करते जाएंगे तो माइनस टी डेल्टा एस ज्यादा निगेटिव होता जाएगा और डेल्टा जी किसी न किसी टेम्परेचर पर निगेटिव जरूर कर देगा। तो इस स्थिति में क्या होगा हमें तुमको ये जो है तुमको ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ और कि तो दूसरा एक और भी कह सकता था लोग एक जैसे कि ये कह सकता था कि अगर मान लेते हैं कॉपर प्राप्त करना है तो CuSO4 प्लस जेडएन से ZnSO4 प्लस Cu ये रिएक्शन तुमने देखा होगा ये तुमको फिजिबल होता है, ये रिएक्शन फिजिबल है मतलब इसके लिए डेल्टा जी लेस देन जीरो एट 298 केल्विन, ये डेल्टा जी निगेटिव होता है इसका। तो हम लोग कॉपर का रिडक्शन अगर करना हो तो इस ढंग से कर सकते हैं, ये केमिकली ये पॉसिबल है। बट यहां पर दिक्कत ये है कि जो रिएक्टिव मेटल होते हैं जैसे कि कॉपर जो रिएक्टिविटी सीरीज में ZN इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर,
Zn इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो Zn खुद फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। Zn जब फ्री स्टेट में तो इसको इसके रिडक्शन के लिए कहां से लाएंगे? तो ये जो जो इकोनॉमिकली नहीं है, ये प्रोसेस जो इस तरह के जो रिएक्टिव मेटल से क्या कराना, हमारा रिएक्टिव मेटल से रिडक्शन कराना, ये नॉर्मल टेम्परेचर पर हो जाएगा हमारा, बट इट इज नॉट फिजिबल बिकॉज कि उस रिएक्टिव मेटल को हम कहां से नेचर में ऑब्टेन करेंगे, उसको पुनः कहीं से एक्सट्रैक्ट करके लाना होगा, तो वो ये जो प्रोसेस है ये अन इकोनॉमिकल हो जाएगा। इट इज अन इकोनॉमिकल प्रोसेस, इट इज अन इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल ये तुमको कॉस्टलियर होगा क्योंकि ये Zn नेचर में उपलब्ध नहीं है, ये पॉसिबल है लेकिन अन इकोनॉमिकल है। तो यहां पर जो है तुमको, तो ये जो कि नेचर में जैसे कोयला वगैरह है वो तुमको मिलता है, कोक, उनसे रिडक्शन अगर हो जाए तो वो संभव होगा। अगर कुछ टेम्परेचर की जरूरत पड़ी, हायर टेम्परेचर की, तो वो भी अगर तुमको रीजनेबल रेंज में हो तो हम लोग उस रिडक्शन को कर सकते हैं। तो इस ये जो तुमको है किस टेम्परेचर रेंज में ये पॉसिबल है, इसको जानने के लिए हम लोग पहले इसको देख डायग्राम बनाया गया है, जिसको कि ऑक्साइड के जो गिब्स एनर्जी चेंज ऑक्साइड बनते हैं उसके गिब्स एनर्जी चेंज को दिखाया गया। तो इसको जानने के लिए पहले हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन से हम लोग इस प्रोसेस को और समझने का कोशिश करते हैं। इलिंगम डायग्राम में तुमको क्या किया गया है, इलिंगम डायग्राम कुछ ऑक्साइड्स के डेल्टा जी और टाइम का टेम्परेचर के बीच ग्राफ प्लॉट किया गया है। तो ऑक्साइड्स किसी मेटल से रिएक्शन करके हम लोग ऑक्साइड बनाएंगे, मेटल या नॉन मेटल जैसे कार्बन से, तो इसको जो जिसके जो डेल्टा जी जो गिब्स एनर्जी चेंज जो होंगे उसको हम लोग किस में दिखाएंगे, उसको टेम्परेचर के साथ ग्राफ में प्लॉट करेंगे, दैट इज कॉल्ड इलिंगम डायग्राम। तो उस डायग्राम को समझने के लिए देखो इसमें जो कुछ क्वेश्चंस है, मैं उसके द्वारा इसको समझाने का कोशिश करता हूं। तो एक क्वेश्चन जैसे है, तो एट 200 डिग्री सेल्सियस के अबाउट एट ए सर्टेन टेम्परेचर मतलब कि अबाउट 200 डिग्री सेल्सियस 200 डिग्री सेल्सियस डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन इज गिवेन, तो दो रिएक्शन का दिया हुआ है, जैसे कि 2C+O2 से बन जाएगा तुमको 2CO गैस, ये तुम्हारा इसका डेल्टा जी मान लेते हैं कि दिया हुआ है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस, तुमको इसका लिख सकते हो, इसका डेल्टा जी का वैल्यू -250 किलोजूल पर मोल है। दूसरा एक रिएक्शन है 2Fe+O2 से बन गया 2FeO, इसका जो डेल्टा जी है दैट्स इक्वल्स टू -450 किलोजूल पर मोल, ये किलोजूल पर मोल एट 200 डिग्री सेल्सियस इज द रिएक्शन पॉसिबल, रिएक्शन का मैं नाम लिखता हूं, रिएक्शन है तुमको FeO+C से Fe+CO इज पॉसिबल और नॉट, इस पर जो 200 डिग्री पर ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, दूसरे शब्द में Fe का रिडक्शन कार्बन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। तो कभी भी कोई रिएक्शन होगा, अगर इस रिएक्शन का हम लोग क्या चाहिए, गिब्स एनर्जी चेंज चाहिए हमको, इसके मदद से जो थर्मोडायनेमिक्स के आधार पर हम लोग इसको देखो कि सॉल्व कैसे करेंगे, तो Fe मतलब 2C+O2 से बन जाएगा 2CO, इसका डेल्टा जी दिया हुआ है तुमको -250 किलोजूल पर मोल, और दूसरा दिया हुआ डेल्टा जी तुमको दिया हुआ है -350 किलोजूल पर मोल Fe वाला का है,
तो चलो उसको भी लिख लेते हैं। तो दूसरा है तुमको 2Fe प्लस O2 से kilojoule पर मोल है। तो इन दोनों के हेल्प से ये रिएक्शन कैसे ऑब्टेन होगा? अगर हम लोग क्या करें, FeO यहां पर राइट साइड है और ये तुमको FeO को लेफ्ट साइड लाना, तो इसको हम लोग इसको डिफरेंस करना होगा। इसको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर इसमें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, सब्सट्रैक्टिंग द टू इक्वेशन, तो हमको क्या मिल जाएगा, सब्सट्रैक्टिंग 1 - 2, पहला को इसमें घटा दें तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। अगर ये तुमको FeO तुमको इसको अगर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुमको बैक में चला जाएगा, या नहीं तो इसको उल्टा करके लिख दो, इस रिएक्शन का डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा, तो ऐसे तो ऐड कर देना। चलो तो इसका जो है तुमको अगर इस रिएक्शन को क्या कर देते हैं, इसको रिवर्स करके लिखते हैं, इसको रिवर्स करके लिख दो, FeO 2FeO से बन गया 2Fe प्लस O2, इसका डेल्टा जी क्या हो गया, प्लस 350 kilojoule per mole, ये सेकेंड हुआ, ये तुम्हारा क्या है, फर्स्ट है, ये तुम्हारा फर्स्ट हो गया, ये तुम्हारा रिएक्शन पहला वाला, ये इसको मैंने इसके ऊपर वाला को इसको क्या मान लिया हमने, फर्स्ट रिएक्शन मान लिया और इसको सेकेंड, तो 1 + 2 कर दो अब। चलो तो इसमें देखो तुम्हारा O2 तुमको क्या हुआ, अपोजिट साइड लग, तो O2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो तुम्हारा रिएक्शन आ गया Fe+O+C से बन गया Fe+CO और डेल्टा जी तुमको ऐड हो जाएगा, तो डेल्टा जी कितना हो जाएगा इस रिएक्शन का, -250 + 350, दैट्स गो टू 100 kilojoule per mole, डेल्टा जी ग्रेटर देन 0, सो एट 200 degrees Celsius द रिडक्शन ऑफ FeO 2Fe इज नॉट पॉसिबल, ये तुमको पॉसिबल नहीं है। तो ये तुम्हारा हो गया कि FeO से Fe बनाना पॉसिबल नहीं होगा एट 200 degrees Celsius, तो चूंकि इसका डेल्टा जी क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, तो इससे ये जो तुम्हारा डाटाज दिए गए हैं ये रिप्रेजेंटेटिव डाटाज हैं। ये तुमको एक्चुअल ग्राफ में तुम देखोगे तो थोड़ा बहुत आगे पीछे डाटा दिया हुआ है, ग्राफ भी शायद टू दी स्केल प्रोडक्ट नहीं किया गया, क्योंकि जो रिटेन लैंग्वेज में तुमको जो डेटा जी वगैरह का वैल्यू जो बुक में मिलता है, और जो लिंगम डायग्राम से जो ग्राफ देखोगे, ये लिंगम डायग्राम में देखोगे तो उसमें तुमको कुछ वैल्यू में चेंजेज आएंगे, बट एक रिप्रेजेंटेटिव क्वेश्चन के रूप में इसको मैंने प्रस्तुत किया है, तो इसको डाटा एक्चुअल डाटा के बजाय ये रिप्रेजेंटेटिव डाटा है, डाटा जो कि तुम्हारा, और मुझे एक्चुअल डाटा कुछ याद भी नहीं है ठीक से, तो ये तुम्हारा इसको एक रफली डाटा के रूप में इसको समझ सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो इस क्वेश्चन से ये पता चला होगा कि किसी का भी अगर हम लोग को जो डायग्राम O2 का दिया हुआ है, तो जिसको अगर जिसका रिडक्शन करना है, तो जिसको Fe जो ऑक्साइड यहाँ बनने का दिया हुआ डेल्टा जी सबका निगेटिव ही होता है जनरली, और तुमको ये निगेटिव दिया हुआ है, तो निगेटिव तुम्हारा जो प्रोडक्शन का डेल्टा जी निगेटिव है, तो उसको तुमको देखोगे तो उसमें जिसका कि डेल्टा जी ज्यादा निगेटिव है, जिसका डेल्टा जी तुम्हारा जैसे यहां पर जिसका ज्यादा निगेटिव है एट दैट टेम्परेचर, तो तुम्हारा क्या होगा, जैसे यहां पर था किसका होगा तुमको Fe का ज्यादा था, ज्यादा निगेटिव, तो Fe को क्या नहीं कर पाएगा, जो दूसरा है जो कार्बन का जो कम निगेटिव है वो उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, जो कि 200 डिग्री है। लेकिन यही डाटा अगर हम चल जाए 800 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये डाटा कुछ उलट जाएगा, ये डाटा डेल्टा जी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, जिस ढंग का डाटा आएगा तुम्हारा एट 800 डिग्री सेल्सियस, इसका जो डाटा आएगा तुम्हारा वो बिल्कुल पलट जाएगा, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये तुमको पॉसिबल हो जाएगा। तो डेल्टा जी जब तक निगेटिव, जैसे मैंने अभी समझाया था कि टी अगर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, टी को अगर इंक्रीज करते जाएंगे तो एक ऐसा टेम्परेचर जरूर आएगा जहां पर अभी डेल्टा जी पॉजिटिव है, तो वहां पर डेल्टा जी निगेटिव आ जाएगा, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, इट इज फिजिबल। तो ये तुम्हारा जो इसका जो कटिंग पॉइंट है, ये लगभग तुमको देखोगे बुक में तुमको जो ग्राफ है तो उसमें तुमको 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिया हुआ है, लेकिन जो रिटेन लैंग्वेज है उसमें 400 से एभव लिखता है, करीब करीब ज्यादा लिखा हुआ है, तो ये दोनों में इनकंसिस्टेंसी थोड़ी सी दिखती है। तो ग्राफ जो तुम्हारा है इलिंगम डायग्राम है तुमको, उसमें इलिंगम डायग्राम इसका पहले इलिंगम
डायग्राम। द ग्राफ ऑफ गिब्स एनर्जी चेंज, गिब्स एनर्जी चेंज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, मेटल फॉर द ऑक्साइड, ऑक्साइड फ्रॉम एलिमेंट, फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ एलिमेंट एंड ऑक्सीजन, एलिमेंट ऑफ एलिमेंट, रिएक्शन ऑफ एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर टी। तो ये डेल्टा जी का जो है गिब्स एनर्जी चेंज, डेल्टा जी और टी के बीच में ग्राफ इसको प्लॉट किया गया है। और जनरली डेल्टा जी इज निगेटिव, जनरली जो तुम्हारा होता है जैसे कोई भी जो ऑक्साइड बनता है, जैसे कि तुम्हारा कोई भी ऑक्साइड बनेगा तो उसका डेल्टा जी निगेटिव ही होता है। इसको तुम चाह समझ सकते हो, ये फोर्थ क्वाड्रेंट ग्राफ एक ढंग से प्लॉट है। जैसे टेम्परेचर यहाँ पर दिया हुआ है, इसको तुम टेम्परेचर मतलब समझ सकते हो, डेल्टा जी ऊपर नहीं है तो टी टेम्परेचर यहाँ पर होगा, टेम्परेचर टी यहाँ पर देख सकते हैं इस एक्सिस पर। और यहाँ पर तुमको रहेगा डेल्टा जी रहेगा जो कि निगेटिव होगा, इसलिए इसको नीचे दिखाया गया है। तुम्हारे बुक में ये तुमको -1200 तक ये दिखाया हुआ, -1200 किलोजूल पर मोल तक ये डाटा दिखाया गया है। तो ये जो तुम्हारा ग्राफ जो शो किया गया है कुछ एलिमेंट्स का, जैसे कि तुमको एक एमजी का है, एमजी का तुमको जो है तुमको वैल्यू है, तुमको ये मानते हैं एमजी का इस ढंग से गया है। और एएल का तुमको जो है, एएल का भी तुमको यहां पर तुमको ये इस ढंग से कट करके गया। तो ये जो तुम्हारा है ये दो मैंने जो एफई और कार्बन से भी समझाया था, एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ये है तुमको 2mg प्लस O2 से 2MgO, और ये है तुमको ये जो तुम्हारा डायग्राम कह सकते हैं ये है, और ये जो तुम्हारा कटिंग पॉइंट करीब करीब इसको कह सकते हो ये 1200 डिग्री सेल्सियस के अबाउट है। ये तुमको कटिंग पॉइंट है 1200 डिग्री सेल्सियस अबाउट इसका। तो इसका जो है O2 सेम रखा गया सबको बैलेंसिंग में, तो इसमें तुमको जो AL का लिखोगे तो 4/3 AL आपको लिखना पड़ेगा प्लस O2, जिससे कि O2 कैंसिल आउट हो जाए सब जगह बैलेंस करने पर, 2/3 AL2O3 ऐसा हो जाएगा। तो ये तुमको इस रिएक्शन का डेल्टा जी दिया हुआ है। तो ये जो डेल्टा जी है तुमको ये ज्यादा निगेटिव है, और ये क्या है तुमको ये तुम्हारा इसके कम निगेटिव है AL का यहां पर। लेकिन आफ्टर 1200 डिस्टेंस ये तुम्हारा क्या हो गया, ये बदल गया, AL का ज्यादा निगेटिव, AL का तुमको क्या दिख रहा है ज्यादा निगेटिव है, MG का पॉजिटिव है। तो ये तो तुम्हारा डायग्राम है। इस आधार पर ये तुमको और भी मेटल्स या कार्बन के भी दिए हुए हैं, जैसे Fe का भी देख रहे, कॉपर, आयरन, इन सबों के इसमें डाटा दिए हुए हैं। तो ये तुम्हारा 1200 डिग्री सेल्सियस के अबाउट गया ही। तो ये जो तुम्हारा है इसमें ये बताना है, अगर ये तुमको है एट व्हाट टेम्परेचर, ये तुम्हें डेल्टा जी इसका जो तुम्हारा वैल्यू है एट व्हाट कंडीशन, जैसे तुम्हारा एग्जांपल 6.1 है, तो एग्जांपल इसमें बहुत से प्लॉट किए गए हैं, तो जिसका कि तुमको ये देखेंगे कि किसका जो है तुमको जिसका कि ज्यादा निगेटिव होगा इसमें वैल्यू डेल्टा जी, वह लोअर टेम्परेचर पर दूसरे को क्या कर दे, जो लोअर जिसका डेल्टा जी अगर दोनों का ज्यादा, जिसका डेल्टा जी ज्यादा निगेटिव है वह मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, वह मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा तो वह दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर सकता है। अगर दो एलिमेंट हमने लिया जिसमें कि एक एलिमेंट जिसका कि डेल्टा जी उस टेम्परेचर पर देख लेंगे जिस टेम्परेचर पर आप बात करना चाहते हैं, इस टेम्परेचर पर अगर बात करना चाहते हैं तो यहां पर तुमको 1200 से डिग्री सेल्सियस से कम पर क्या कर सकते हैं, इसको लगभग 1200 के आसपास आइए, जिसको सर एक रिप्रेजेंटेटिव भी मान सकते हो। और तुमको ये जो तुम्हारा है इससे कम पर अगर तुमको कहा जाए तो जिसका डेल्टा जी तुमको जिसका एमजी का ज्यादा निगेटिव है तो एमजी रिड्यूस कर देगा AL2O3 को AL में। लेकिन आफ्टर दिस टेम्परेचर, ये जो कटिंग टेम्परेचर के बाद, ये बात उलट जाएगी तो AL कैन रिड्यूस MgO2 Mg हो जाएगा, ये तुमको रिएक्शन पलट जाएगा। तो लिख सकते हैं फ्रॉम दिस डायग्राम, फ्रॉम इलिंगम डायग्राम, फ्रॉम दिस ग्राफ, इट इज क्लियर
इट इज क्लियर दैट बिलो इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब दैट इज यहाँ पर 1200 डिग्री सेल्सियस लिखे हम लोग, दैट इज ये रिप्रेजेंटेटिव. Mg कैन रिड्यूस Al, जैसे कि अभी तुमको दिखाए थे जो कि डेल्टा जी का वैल्यू. Mg कैन रिड्यूस Al बट एवव द कटिंग पॉइंट Al कैन रिड्यूस Mg. और जैसा कि अभी तुमको जो सॉल्व करके जो एग्जांपल दिखाए थे, डाटा तुम ग्राफ से देख करके तुम आराम से डाटा को बना सकते हो. ये तुमको लगभग 850 के आसपास होगा, ये तुमको मान लेते हैं 600 के आसपास हो. तुमको ये डेल्टा जी इधर देखोगे तुम लोग MgO मतलब से अगर तुमको Mg मतलब Al2O3 प्लस Mg से बन जाएगा MgO प्लस Al, इसका डेल्टा जी क्या आ जाएगा तुमको निगेटिव बिलो द कटिंग टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस के से कम पे. और एभव में क्या जाएगा, एभव 1200 डिग्री सेल्सियस ये तुमको रिएक्शन पलट जाएगा MgO प्लस Al से बन जाएगा Mg प्लस Al2O3 और जो बैलेंसिंग है रिएक्शन का जो है तुमको वो उसी के आधार पर ये आ जाएगा. और इसमें डेल्टा जी क्या आ जाएगा, इसका डेल्टा जी लेस देन जीरो आ जाएगा. तो ये तुम्हारा ये फिजिबल होगा, इसमें ये फिजिबल होगा. ये तुम्हारा था एग्जांपल 6.1 में भी यही पूछा गया है. इट इज एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर, ये 6.1 क्वेश्चन भी है. इट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6.1 एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6.1 तुम्हारा ये एग्जांपल भी यही था कि Mg कब रिड्यूस करता है बिलो द कटिंग टेम्परेचर है उसके बिलो तुमको क्या करता है, ये है इसको रिड्यूस करेगा. Mg कैन रिड्यूस Al क्योंकि इसका डेल्टा जी ज्यादा निगेटिव है, तो इसको जब इसका करेंगे तो मतलब कि तुम्हारा क्या जाएगा Mg इसका जो रिडक्शन है ऊपर वाला का वो पॉजिटिव आ जाएगा, वो निगेटिव आ जाएगा डेल्टा जी. और इसमें तुमको क्या जाएगा एभव में तुमको Al2O3 क्या कर देगा, Al2O3 का जो रिडक्शन है वो Al जो है MgO का रिडक्शन कर देगा. तो इस तरह से क्या होगा तुम्हारा, ये तुमको ये हो गया. दूसरा एक सवाल, ये जो एग्जांपल एनसीईआरटी एग्जांपल की ही बात कर रहे थे, 6.2 का बात करते हैं. एनसीईआरटी एग्जांपल 6.2 में ये पूछा जा रहा है कि Mg तो रिड्यूस कर सकता है Al को एट बिलो टेम्परेचर पर. एनसीईआरटी एग्जाम्पल 6.2 इसमें क्वेश्चन है कि Mg जो है तुमको Al2O3 को Al2O3 को 2/3 Al2O3 प्लस 2Mg से बन जाएगा 2MgO प्लस 4/3 Al. ये तुमको जो है रिएक्शन इसका डेल्टा जी लेस देन जीरो एट लोअर टेम्परेचर. तो इसका क्वेश्चन पूछना ये चाहता है तो इसको कराया क्यों नहीं जाता है इसे मेटलर्जी, तो वाई मतलब कि तो एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रक्शन बॉक्साइट से करना है तो एमजी के द्वारा रिडक्शन से इसे क्यों नहीं प्राप्त कर लिया जाता है, तो Why not Al2O3 reduces to Al by Mg in large scale में इसको क्यों नहीं कर. जहां तक इसके सॉल्यूशन की बात है लेबोरेटरी में तो ये पॉसिबल है कि आप ऐसा कर दीजिएगा तो बिल्कुल पॉसिबल है इन लेबोरेटरी, ये संभव है. लेकिन Mg इज नॉट फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, ये रिएक्टिव है. Mg is not found in nature in free state. तो Mg हम लाएंगे कहां से, लार्ज स्केल पर हमको प्रोडक्शन करना है तो अगर Mg को पहले प्रोड्यूस करेंगे तो द प्रोसेस विल बी अन इकोनॉमिकल. ये क्या होगा, महंगा पड़ेगा, ये कॉस्टली प्रोसेस होगा. इसलिए इसका क्या नहीं करते, इसके मेटलर्जी में Mg का यूज नहीं करते हम लोग. जहां तक की बात कहा गया कि आप करना चाहिएगा Mg ला के तो रिएक्शन तो हो ही जाएगा. लेकिन Mg जो है तुमको जब खुद रिएक्टिव है
तो एमजी रिएक्टिव है तो वह उसको हम लोग क्या नहीं कर सकते हैं अचीव, नेचर में उसको प्राप्त करना पड़ेगा पहले, उसको नेचर के किसी कंपाउंड से हमको जो कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे एमजी, उससे हमको एमजी को प्रोड्यूस करना पड़ेगा, फिर उससे कराएंगे। तो ये जो प्रोसेस है काफ़ी कॉस्टली हो जाएगा, और इससे जो है तुमको इसके बजाय हम लोगों को ऐसा प्रोसेस लेना चाहिए जिसमें कि क्या हो जाए, जो कि तुमको दूसरे किसी मेथड से हम लोग कर सकें, जिससे कि कार्बन डिटेक्शन के लिए भी जो कि अगर तुम देखोगे इसका ये जो एलिंगहम डायग्राम देखेंगे तो एलिंगहम डायग्राम सजेस्ट करता है कि तुमको एलिंगहम डायग्राम सजेस्ट करेगा तुमको कि किस किस के लिए करते हैं उसकी चर्चा भी करते हैं। इसके पहले तो क्या हुआ, एम जी इसके लिए क्या कर देते हैं, एम जी इसके लिए सुटेबल तो है, सुटेबल है कि मतलब कर सकता है लेकिन सुटेबल नहीं बिकॉज कि ये अन इकोनॉमिकल है। एक है तुमको एन सी आर टी का एग्जाम्पल 6.3 की भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें यह कहा गया है कि जब भी आप ऑब्टेन करना चाहते हैं तो मेटल को लिक्विड स्टेट में क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, मतलब कि ये मेटलर्जी अगर आपने किया तो एम इसको लिक्विड स्टेट में प्राप्त करना ज्यादा बेहतर माना जाता है बनिस्पत एम सॉलिड के, सॉलिड के बजाय लिक्विड में बनाना क्यों पसंद करते हैं, व्हाई। तो इसका कारण है कि हम लोग जो डेल्टा जी बराबर पढ़ रहे थे डेल्टा एच माइनस टी डेल एस, तो अगर डेल्टा एस जितना अधिक हो उतना कम टेम्परेचर प्रेडिक्शन होगा, डेल्टा एस ग्रेटर मोर पॉजिटिव, मोर पॉजिटिव टी इज लेस, टी क्या होगा कम जरूरत पड़ेगा, टी कम टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। अगर डेल्टा एस ज्यादा पॉजिटिव होगा तो टी की जरूरत कम पड़ेगी, तो टी का कम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाएगा, ये पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन अगर इसके लिए क्या होगा, डेल्टा एस अगर लिक्विड स्टेट में है तो उसका ज़्यादा एंट्रोपी होगा बनिस्पत सॉलिड स्टेट के, तो आखिरकार कम टेम्परेचर पर ही होगा। इसीलिए हम लोग क्या कराते हैं, इसीलिए हम लोग मोल्टेन मतलब कि जो जो सॉलिड है जो कि हम लोग का मेटल है उसको हम लोग जनरली मोल्टेन स्टेट में ही प्राप्त करना ज़्यादा पसंद करते हैं, चूँकि वो कम टेम्परेचर पर ही क्या हो जाएगा रिएक्शन हो जाएगा और फास्टर भी हो जाएगा। और दूसरा एक और क्वेश्चन इससे रिलेटेड है कि हम लोग जो कि एनसीईआरटी का मतलब एक्सरसाइज वगैरह में है या इन टेक्स्ट में होगा कि कोई सल्फाइड का बनाता ही क्यों है, जैसे कि हमको ये कह सकते हैं सल्फाइड एस से भी जेडन एस प्लस कार्बन से इसको जेडन प्लस सी एस टू ऐसा भी कर सकते थे, ये सी एस टू लिक्विड होता है तो ZnO प्लस C से अगर करेंगे तो ZN प्लस CO ये गैस हो जाएगा। तो ये तुमको भी क्वेश्चन है कि सल्फाइड ओर को रोस्ट क्यों किया जाता है इसको ऑक्साइड में, व्हाई सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड, व्हाई सल्फाइड ओर इज कन्वर्टेड टू ऑक्साइड बाय रोस्टिंग हम लोग करते थे, ऐसा क्यों, इसे क्या लाभ है। यहां भी इसका जवाब भी इसी रिएक्शन में है, ये तुमको क्या है इसका जो डेल्टा एस, इसका जो डेल्टा एस ये लिक्विड में है सी एस टू, सी कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो बना है ऑक्साइड इसमें ये गैस है, तो इसका जो इस रिएक्शन का जो डेल्टा एस इज मोर पॉजिटिव, डेल्टा एस इज मोर पॉजिटिव, डेल्टा एस इज मोर पॉजिटिव, इसका डेल्टा एस जब ज्यादा पॉजिटिव होगा तो इट रिक्वायर्स लेस टेम्परेचर फॉर रिडक्शन, लेस टेम्परेचर फॉर रिडक्शन देन सल्फाइड देन ZnS, ZnO जो है कम रिक्वायर होगा। और इसलिए कभी भी हम लोग क्या चीज में कराना चाहते हैं, ये ऑक्साइड बनाना इसलिए चाहते हैं, कंसिनेशन या रोस्टिंग इसलिए करते हैं बिकॉज कि ये तुमको गैस में प्राप्त होता है, जिससे कि हम लोग को इंट्रोपी चेंज ज्यादा हो जाएगा, डेल्टा एस पॉजिटिव होगा तो टी का वैल्यू घट जाएगा। तो ये सब तुम्हारा इससे जुड़े हुए थे। और इन सबों का जो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल सजेस्ट करता है कि कार्बन रिडक्शन किसके लिए, किसके एलिंगहम डायग्राम में अगर हम लोग देखेंगे, एलिंगहम डायग्राम सजेस्ट करता है कि ये जो मेथड है तुमको देखोगे तुमको तो कॉपर को काफी कम टेम्परेचर पर ही इंटरसेक्ट कर दिया गया है, कार्बन का जो तुम्हारा है कार्बन रिडक्शन जो तुम्हारा है 2C प्लस O2 से क्या होगा तुम्हारा 2CO, ये जो लाइन तुम देखोगे एलिंगहम डायग्राम तुम अपने बुक में जो तुम्हारा बना हुआ ग्राफ है उसमें देखोगे कि ये जो लाइन है कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाता है, ये सब जो है तुमको कॉपर को बहुत कम टेम्परेचर पर ये इंटरसेक्ट कर देगा तो उसके लिए सुटेबल है, एफ ई के लिए भी सुटेबल ही है और जेडन के लिए भी, जेडन में थोड़ा है ये टेम्परेचर है लेकिन फिर भी उसका किसके द्वारा रिडक्शन करते हैं लोग, कार्बन रिडक्शन करते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम के लिए टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम इन सबों में के लिए ये क्या होता है टेम्परेचर काफ़ी हाई हो जाता है तो उसके लिए ये सुटेबल कार्बन रिडक्शन नहीं होता है।
तो क्या मैंने कहा कि कार्बन रिडक्शन इलिंगम डायग्राम सजेस्ट दैट कार्बन रिडक्शन इज सुटेबल फॉर CuFe एंड Zn, बट इट इज नॉट सुटेबल फॉर मोर रिएक्टिव मेटल लाइक AlMg etc. इसके लिए सुटेबल नहीं होगा, ये तुम्हारा इसका समरी है। तो चूंकि इसका जो टेम्परेचर है तुमको एक रीजनेबल रेंज में है, और जाहिर है कि हम लोग मेटल को भी प्राप्त जो करते हैं हम लोग लिक्विड स्टेट में, जाहिर है उसके मेल्टिंग पॉइंट से ज़्यादा है पर ही प्राप्त करेंगे, तो ये तुमको इसलिए ये तुम्हारा इसका है थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल सजेस्ट करता है इन समूह के लिए तुमको सुटेबल होगा, जो कि है कार्बन स्मेल्टिंग कहते हैं, कार्बन रिडक्शन को स्मेल्टिंग भी कहा जाता है। कार्बन रिडक्शन का दूसरा नाम हो गया कार्बन रिडक्शन स्मेल्टिंग, सुटेबल किसके लिए, किसके हुआ FeCuZn के लिए, और बाकी जो AlMg इन सबों के लिए तुमको कार्बन रिडक्शन सुटेबल नहीं होता है। AlMg इन सबों के लिए तुमको इसके लिए सुटेबल होता है इलेक्ट्रिक रिडक्शन या रिडक्शन बाय इलेक्ट्रिसिटी से, ये सब करते हैं हम लोग। तो हम लोग अब बारी बारी से, पहले तो कार्बन रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे तीनों का, उसके बाद जो है तुमको एल्यूमिनियम को कैसे ये क्यों नहीं सुटेबल, चूंकि इसका जो टेम्परेचर जो कटिंग टेम्परेचर है ये 200 के एबव चला जाता है, 200 डिग्री सेल्सियस, तो उतना टेम्परेचर तक गर्म करना काफ़ी अनइकोनॉमिकल हो जाएगा, तो एल्यूमिनियम के लिए सुटेबल नहीं है। तो उसके लिए हम लोग जो इलेक्ट्रोलिसिस का यूज करके जो क्या है तुम कैथोड एनोड के आधार पर हम लोग उसका प्रिंसिपल आगे देखेंगे हम लोग। और अभी जो तुमको हम लोग इस अभी पहले सबसे पहले पढ़ेंगे किसका, हम लोग Fe का रिडक्शन, Fe का तुम्हारा जैसे है Fe का तुमको हेमेटाइट या मैग्नेटाइट इन सब ओर से Fe का कैसे हम लोग ऑब्टेन करेंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो ये तुम्हारा है, अब हम लोग देखते हैं कि जो तुम्हारा ब्लास्ट फर्नेंस में हम लोग करते हैं मेटलर्जी ऑफ Fe, एक्सट्रैक्शन ऑफ मैं तो कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ जहां तक कि या मेटलर्जी ऑफ Fe भी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ Fe फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड ओर। तो इसको जो है तुमको इसका जो ओर है तुमको मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट रेड हेमेटाइट भी करते हैं Fe2O3, ये तुम्हारा ये दो ओर हैं जो कि ये तुमको है। इसको हम लोग फ्रोथ मतलब इसको मैग्नेटिक सेपरेशन से हम लोग कंसंट्रेट कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड फॉर कंसंट्रेशन। इसको कंसंट्रेट करने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो है तुमको कार्बन रिडक्शन, हमने अभी थर्मोडायनेमिक की देखा कि कार्बन रिडक्शन इज सुटेबल, कार्बन रिडक्शन दैट इज स्मेल्टिंग इज सुटेबल फॉर ऑब्टेनिंग Fe। तो इसको जो है इसके लिए तुमको इसका ब्लास्ट फर्नेंस में हम लोग इसको इस रिएक्शन को हम लोग करवाते हैं। तो ब्लास्ट फर्नेंस में क्या होता है, ब्लास्ट फर्नेंस में तुमको यहाँ पर क्या है, तुमको यहाँ पर ब्लास्ट फर्नेंस में ये ब्लास्ट फर्नेंस अगर है तो यहाँ पर क्या किया जाता है, ये ब्लास्ट फर्नेंस हो गया, ये जो तुम्हारा है ब्लास्ट फर्नेंस हुआ। तो ब्लास्ट फर्नेंस में क्या होगा, यहाँ पर से तुमको एयर का तुमको यहाँ पर एयर तुमको पास कराया जाएगा, यहाँ से एयर का मतलब कि ये तुमको क्या हो गया, ये ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर यहाँ से पास कराइएगा, और ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर पास कराएंगे तो यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है यहाँ पर हाइयर टेम्परेचर होगा,
यहाँ पर नीचे क्या होगा टेम्परेचर, हाइयर टेम्परेचर होगा, हाइयर टेम्परेचर, और धीरे धीरे यह लोअर टेम्परेचर होते चला जाएगा, तो लोअर टेम्परेचर यहाँ होगा। इसको यह तुम्हारा ब्लास्ट फर्नेस में होगा, और यहाँ पर जो तुम्हारा है यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, इधर से हम लोग पिग आयरन प्राप्त कर लेंगे, जो कि तुमको इसमें पिग आयरन ऑब्टेन करेंगे, और यहाँ से इसके ऊपर तुमको रहेगा, इधर से तुमको जो कह सकते हैं रद्दी टाइप का जो आयरन होगा, जो उसको हम लोग इधर से प्राप्त कर सकते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं जो कि तुम्हारा होगा वेस्टेज, एफ ई मतलब कि क्या कह सकते हैं रेसिडुअल सॉलिड इधर से ऑब्टेन कर सकते हैं आप। अब यहाँ पर इसके ऊपर जो तुम्हारा होगा यहाँ पर स्लैग रहता है, यहाँ पर से तुमको क्या इधर से तुमको स्लैग जो कि हम लोग बनाते हैं गैंग प्लस एक फ्लक्स हम लोग देते हैं जिससे कि स्लैग बनता है, तो उसको स्लैग को यहाँ से इसके ऊपर से ऑप्टेन कर सकते हैं, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं इस जगह से स्लैग को ऑप्टेन करने का ये होता है। तो जो टेम्परेचर जो इसमें रिएक्शन जो होने वाले हैं इसमें हम लोग ऊपर से क्या क्या चार्ज करते हैं, यहाँ से हम लोग डालते हैं ओर प्लस कोक प्लस लाइम स्टोन का फॉर्मूला हो गया CaCO3 और कोक हो गया दैट इज कार्बन, और जो तुमको मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ओर है ब्लास्ट फर्नेस में यहाँ पर से डाल देंगे, यहाँ ब्लास्ट ऑफ एयर पास करेंगे तो कार्बन जो तुम्हारा जो कोक है वो नीचे के में जहाँ पास करेंगे तो ये तुम्हारा क्या जाएगा कार्बन तुमको ऑक्सीडाइज टू CO, कार्बन तुमको एट हाइयर टेम्परेचर एट हाइयर टेम्परेचर C+O2 से बन जाता है ये CO, ये तुम्हारा CO में कन्वर्ट हो गया। और जहाँ तक कि है टेम्परेचर 500 केल्विन टू 800 केल्विन के रेंज में जो कि ऊपर में जो टेक्स प्लेस होगा रिएक्शन, ये तुमको Fe2O3 प्लस CO जो बन गया होगा कोक का, ये Fe3O4 प्लस CO2 बना लेता है, और ये Fe3O4 प्लस CO से क्या बन जाएगा FeO प्लस CO2, ये तुमको इसमें कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो हमारा जो लाइम स्टोन है ये ब्रेक करके CaO प्लस CO2 बनाता है, ये लाइम स्टोन तुमने जो डाला था ये लाइम स्टोन इसको ये इसमें हो जाएगा। इसमें तुमको क्या होगा ये जो तुम्हारा है ये लाइम स्टोन ये जो फ्लक्स होगा तुमको ये तुमको अब क्या होगा एट 900 केल्विन टू 1500 केल्विन पर जो रिएक्शन होगा उस रिएक्शन को हम लोग लिखते हैं FeO जो तुम्हारा बना ये प्लस कार्बन से मिलके Fe प्लस CO बन जाएगा, या तुमको FeO प्लस CO भी है तो इसमें भी Fe प्लस क्या बन जाएगा ये CO2 बन जाएगा, तो ये तुम्हारा दूसरा हो गया। दूसरा कि ये जो तुम्हारा है CaO ये तुमको मिट्टी जैसा जो तुम्हारा जो कि जो गैंग होगा जिसको इम्प्यूरिटी जो कहते हैं या जिसको गैंग कहा जाता है गैंग, इसमें क्या होगा तुमको ये फ्लक्स है और इससे ये फ्यूजिबल स्लैग बना लेता है, स्लैग जो हल्का हो जाता है ये स्लैग, जिससे कि तुमको कहाँ जाएगा ये जहाँ पर के ऊपर से तुमको जो कि आयरन का जो मेट है नीचे जो उससे उसके बजाय ये हल्का हो के नहीं तो अगर नहीं तो ये कहाँ मिट्टी वगैरह नीचे बैठा हुआ रहेगा, लेकिन ये फ्लक्स डाल देने से क्या होता है कि ये तुमको ऊपर से हम लोग क्या कर लेते हैं इसको ऑप्टेन कर लेते हैं और इस प्रकार हमको नीचे जो आयरन है वह मिल जाता है। तो ये जो आयरन होता है ये जो तुमको जो होता है यहाँ से जो मिलता है ये पिग आयरन मिलता है, पिग आयरन में तुमको जहाँ तक ये रिएक्शंस हो गए इसके और इसका रिएक्शन हो गया तुम इसका जो नोट्स वगैरह चाहिए तो राइटफुल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके नोट्स भी बोर्ड के लिए प्राप्त कर सकते हो, और जहाँ पर जेई मेंस या नीट इन सबों के लिए तो ये रिएक्शन सफिशिएंट है ना। अब तुमको यहाँ तक जहाँ तक है तुमको और ये तुम्हारा हो गया ये तो हाइयर टेम्परेचर पर। अब जो इस जो ब्लास्ट फर्नेस जो कि तुमको मिलेगा जो आयरन मिलेगा हमको ब्लास्ट फर्नेस जो आयरन मिलेगा जो कास्ट आयरन जिसको कह रहे हैं हम लोग जिसको हम लोग पिग आयरन कहते हैं, तो पिग आयरन में तुमको ये जो रिएक्शन को नोट डाउन कर लोगे पिग आयरन में तुमको जो मिलेगा पिग आयरन में तुमको रहता है 4% कार्बन एंड सम इम्प्यूरिटी ऑफ सल्फर फास्फोरस
सिलिकन एंड एमएन, ये तुमको इसमें रहता है पिग आयरन में, ये मैंने एफी के अलावा इतना इम्प्योरिटी रहता है। इसको हम लोग कास्ट आयरन में कन्वर्ट करते हैं तो कास्ट आयरन में इसका इम्प्योरिटी जो है तुमको 3% कार्बन होता है, इसमें 3% कार्बन कंटेंट होता है। इट का मतलब हो गया कास्ट आयरन। कास्ट आयरन इज ऑब्टेंड फ्रॉम मिक्सिंग वेस्टेज एफी एंड एफ ई एंड ऑक्सीजन एंड एयर टू पिग आयरन। तो जिससे कि जो ऑक्सीजन देंगे ये कार्बन को ऑक्सीडाइज करके CO बना करके उसको बाहर निकाल देगा, और जो रद्दी लोहा वगैरह तुम्हारा जो बर्ज किया उसको इसमें डाल देते हैं हम लोग, वेस्टेज जो तुम्हारा है, तो जिससे कि उसको गर्म करके क्या प्राप्त करते हैं हम लोग, ये तुम्हारा इट इज हार्ड एंड ब्रिटल। ये किसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ये तुमको हार्ड एंड ब्रिटल हो गया तुमको किसके लिए, ये है तुम्हारा ये कास्ट आयरन। अब तुमको जो सबसे जो प्योरेस्ट फॉर्म है राउट आयरन, ये प्योरेस्ट है, इसमें सबसे कम लेस कार्बन कंटेंट एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एफी, ये प्योरेस्ट फॉर्म है एफी का, ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है। इसको ऑब्टेन करते हैं, ये तुमको इट इज ऑब्टेंड फ्रॉम कास्ट आयरन इन Fe2O लेयर, Fe2O3 मतलब कि लेयर्ड कन्वर्टर एंड Fe2O लेवल लेयर्ड कन्वर्टर। तो Fe2O3 क्या कर देता है, ये जो कार्बन इसमें रहेगा इसको ऑक्सीडाइज करके Fe+ क्या बनाता है CO, तो ये तुम्हारा ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा तुम्हारा, ये और भी जो कार्बन है इसका कार्बन कंटेंट इसका इम्प्रूव कर जाता है। इसमें जो कार्बन बच गया उसको भी, अब ये इसमें 4% था इसमें कास्ट आयरन में तुमको हो गया 3% करीब, और जो पिग आयरन है उसमें 4%, ये उसमें उससे भी लोअर कंटेंट होता है, 2% 1% इसका कंटेंट तभी रहता है। ये तुम्हारा काफ़ी ये मेलिबल होता है, ये तुम्हारा काफ़ी सुटेबल होता है। रॉट आयरन क्या है तुम्हारा, प्योरेस्ट फॉर्म है, ये मेलिबल होता है, इससे आप सीट वगैरह मेलिबल, ये स्टील वगैरह भी इसी से बनाया जाता है। ये सारा जो तुम्हारा है जो यूज में आता है वो इससे ही बनाया जाता है तुमको। तो ये तुम्हारा हो गया आयरन का मेटलर्जी। अब है तुमको जैसे कॉपर का मेटलर्जी है तुम्हारा। कॉपर को ऑब्टेन करते हैं हम लोग, कॉपर मेटलर्जी में क्या करेंगे, मेटलर्जी ऑफ कॉपर। तो कॉपर को हम लोग रिवर्बेटरी फर्नेंस में ऑब्टेन करते हैं, जिसमें कि रिवर्बेटरी फर्नेंस में ही रोस्टिंग भी किया जाता है। रिवर्बेटरी फर्नेंस जिसमें कि सिलिका का लेयर्ड किया हुआ रहता है, जो सिलिका का ऊपर लेयर किया हुआ रहेगा, तो मेटलर्जी ऑफ कॉपर ऑब्टेन करना है। तो कॉपर का अगर सल्फाइड ओर है तो इसको फ्रोथ फ्लोएशन से क्या कर सकते हैं, आपको कंसंट्रेट कीजिए, ये तुम्हारा है जो कॉपर ग्लांस Cu2S, कॉपर पाइराइट CuFeS2, फ्रोथ फ्लोएशन इसमें स्टेबल मेथड होगा, फ्रोथ फ्लोएशन कॉन्सेंट्रेशन के लिए यूज कर सकते हैं आप। इसके बाद तुम्हारा है जो कि अब इसमें क्या करना है, इसको तुमको जो हम लोग को मेटलर्जी करना है, तो कार्बन रिडक्शन एंड सेल्फ रिडक्शन इज सुटेबल, ये दोनों तुमको सुटेबल, अपने से भी रिड्यूस होता है, जैसा कि अभी हम लोग देखते हैं इन रिवर्बेटरी फर्नेंस। इसमें क्या होता है तुमको रिवर्बेटरी फर्नेंस वॉल लेयर्ड विथ SiO2,
ये वाल SiO2 का रहता है जो कि ये फ्लक्स का वर्क करेगा, ये फ्लक्स का काम करेगा जो Fe को क्या करता है, ये Fe को तुमको जो है Fe जो इम्प्यूरिटी होगा Fe का FeO इसको स्लैग में कन्वर्ट कर देगा जो कि ऊपर आ जाएगा FeSO3 स्लैग बना देगा। ये तुम्हारा फ्लक्स हो गया और ये है गैंग होगा तुमको जो Fe वगैरह कुछ रहेगा तो उसको ये ऑप्टेन करने में काम करता है। और जहाँ तक इसके जुड़े हुए जो कुछ रिएक्शंस हैं इसमें क्या होता है तुमको ये जो रिवर्बेटिव फर्नेस में भी ऑक्सीजन पास कराएंगे आप तो Cu2S प्लस O2 से बन जाएगा Cu2O प्लस SO2। इस SO2 को आप यूज कर सकते हैं H2SO4 वगैरह के प्रिपरेशन में और तुमको H2SO4 इसे बनाया जा सकता है और तुमको SO2 Cu2O और ये Cu2O काफ़ी लोअर टेम्परेचर पर ही कार्बन से रिड्यूस होकर ये बन जाएगा Cu+CO, ये बन सकता है तुम्हारा, ये Cu ऑप्टेन हो गया, या Cu2S प्लस Cu2O सेल्फ रिडक्शन, ये कार्बन रिडक्शन हुआ, ये सेल्फ रिडक्शन से भी बन जाता है, ये हुआ सेल्फ रिडक्शन, ये हो गया सेल्फ रिडक्शन और ये हो गया कार्बन रिडक्शन, तो दोनों सुटेबल है, कार्बन रिडक्शन ये तुम्हारा सुटेबल होगा ये तुम्हारा। और दूसरा है तुमको जो कि तुमको लो ग्रेड कॉपर जो होता है तुमको लो ग्रेड कॉपर इज ऑब्टेंड बाय हाइड्रोमेटलर्जी का मतलब होगा क्या, हाइड्रोजन से भी कर सकते हैं CuO या Cu2O प्लस H2, इसे क्या बनेगा Cu प्लस H2O, ये भी तुमको कर सकता है। इट इज कॉन्सेंट्रेटेड बाय एसिड और बैक्टीरिया, लीचिंग प्रोसेस करते हैं इसको, ये लीचिंग तुम्हारा जो है सॉल्यूशन बनाने में काम करता है। और इसमें तुमको ये तुमको जो वेस्टेज अगर तुमको Fe वगैरह है उससे भी आप इसको क्या कर सकते हैं ऑप्टेन कर सकते हैं। Fe ज़्यादा रिएक्टिव है तो इसे ये ऑप्टेन वेस्टेज अगर है, अगर वेस्टेज आयरन है तो आपके पास वेस्टेज आयरन है तो इसे कर सकते हैं। एक जो तुम्हारा एग्जाम्पल 6.4 है इसी से के पास, एग्जाम्पल 6.4 तुम्हारा है NCERT एग्जाम्पल 6.4 वो कहा जा गया है कि आपके पास ZN है और आयरन है तो किससे आप कॉपर का रिडक्शन करना बेहतर मानेंगे, तो Cu का तुम्हारा जो है Cu2O है या Cu2O है इसमें ZN से जब रिएक्शन कराएंगे तो Cu प्लस ZNO ये बन जाएगा, ये ज़्यादा रिएक्टिव है। और एक है तुमको आयरन है तो आयरन भी तुम्हारे पास है तो अगर आयरन स्क्रैप आयरन या स्क्रैप तुमको क्या है Fe है तो ये तुमको दोनों ही क्या कर सकते हैं इसको रिडक्शन करेंगे। और ZN इज मोर रिएक्टिव देन हेंस रिएक्शन विथ ZN इज मोर फास्टर, ZN रिएक्शन विथ ZN इज मोर फास्टर ज़्यादा फास्ट होगा क्योंकि ZN ज़्यादा रिएक्टिव होता है, रिएक्टिविटी सीरीज में ZN ज़्यादा ऊपर है Fe के तुलना में, लेकिन बट Fe इज लेस कॉस्टलियर देन ZN, हैंस कॉस्ट के दृष्टिकोण से देखें तो क्या कौन ज़्यादा सुटेबल है, Fe ज़्यादा सुटेबल है, ZN महंगा एलिमेंट है तो उसको डिस्ट्रॉय करके आप ZNO बना रहे हैं तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा, और Fe उसके तो जो लोहा है उसके तुलना में चीप एलिमेंट है, तो जाहिर है कि एक हुआ कि ये केमिकली जो ज़्यादा रिएक्टिव है ZN तो वो तुमको ज़्यादा तेजी से रिएक्शन कर देगा तो उससे ज़्यादा आपको तेजी से रिएक्शन होगा, लेकिन इकोनॉमिकली देखेगा तो Fe इज मोर सुटेबल देन ZN। ये तुम्हारा था एग्जाम्पल 6.4 की बात हो गई, तो ये तुम्हारा हो गया, ये जो तुम्हारा है। और उसके बाद अगर तुमको कार्बन ZN का जहाँ तक है, ZN को किससे किया जाता है, ZN का मेटलर्जी ऑफ जिंक तो इसको कहा जाता है तुमको ZN को ZNO प्लस C से बन जाएगा ZN प्लस CO, ये कार्बन रिडक्शन सुटेबल हो गया, कार्बन रिडक्शन से ये हो जाएगा तुमको, ये टेम्परेचर 1600 केल्विन से एबव चला जाता है, ये 1600 केल्विन टेम्परेचर वगैरह पर, लेकिन ये इसके लिए भी सुटेबल माना जाता है। लेकिन एल्यूमिनियम के लिए तुमको है, एल्यूमिनियम का जब रिडक्शन करना होगा तो ये जो तुम्हारा कार्बन रिडक्शन इज नॉट सुटेबल, तो उसके लिए हम लोग को है उसके लिए इलेक्ट्रोलाइटिक प्रिंसिपल होता है उसका फॉर द, उसके लिए हम लोग एक मेटलर्जी का जो दूसरा प्रिंसिपल पढ़ेंगे, आज तो थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल का मैंने चर्चा किया और उससे रिलेटेड जितने थे टॉपिक्स उसको मैंने डील कर दिया, और जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग देख लेंगे कि इसके जो मेटलर्जी हैं
जिसके लिए एक और प्रिंसिपल है तुमको, जिसको कि हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक, जो इलेक्ट्रोलिसिस करके करेंगे जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड सुटेबल नहीं हो पाता है, जैसे एल वगैरह के लिए, उसको पढ़ेंगे। उसी लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे तुमको रिफाइनिंग कैसे किया जाएगा, जो मेटल है तुम्हारे उसको कैसे रिफाइन करके हम लोग ऑप्टेन करेंगे, और उसके कुछ मेटल्स के यूजेज भी दिए हुए हैं, तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने इतना कवर किया। तुम लोग को कोई भी पोर्शन फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी में भी राइज ट्यूटोरियल ऐप पर जाकर के तुमको प्रॉब्लम दिक्कत है तो राइज ट्यूटोरियल ऐप पर तुम आकर के हमसे संपर्क कर सकते हो, पर्सनल कुछ पोर्शन के लिए भी गाइड ले सकते हो हमसे, जहाँ दिक्कत है उस पोर्शन के लिए तुम टाइम ले, तुम जो नीट एडवांस या जेई मेंस जेई एडवांस इसकी भी प्रिपरेशन कर रहे हो, या तुमको बोर्ड के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जहाँ जिस टॉपिक को समझने में दिक्कत हो रहा है, कोई न्यूमेरिकल नहीं बन रहा है, क्वेश्चंस बनाने में दिक्कत हो रहा है, कोई चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए तुम हमसे टाइम ले सकते हो। राइज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुम उसमें जो है अपना रजिस्टर करो और तुम हमसे जो है बात भी कर सकते हो, पर्सनल फ़ोन नंबर उसमें मिल जाएगा तुमको, हमसे कॉन्टैक्ट करो और जो भी दिक्कत आ रही है उसको समाधान कर सकते हो। तो इसी साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहा हूँ।